गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं नितीश कुमार चंद्राकर फ्रॉम भारती कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी दूर। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है कंपाइलर डिजाइन, तो कंपाइलर डिजाइन में टॉपिक है लार्ज फैक्टोरी का। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लार्ज फैक्टोरी क्या होता है, उसमें पहचान है, जो ग्रामर दिया रहेगा उसको पहचानते कैसे हैं। ये जो है बीडी सिक्स सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट ब्रांच का टॉपिक है। आइए हम देखते हैं लैब फैक्टोरिंग होता क्या है। तो लैब फैक्टोरिंग को पहचानने का जो बेसिक कंसेप्ट होता है, उसमें आपका राइट हैंड साइड में जो ग्रामर रहेगा, ठीक है, जो भी स्टेटमेंट या ग्रामर बोल सकते हैं इसको, तो उसमें जो राइट हैंड साइड पे जो लेफ्ट वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है, राइट हैंड साइड है जो एरो के राइट हैंड साइड है उसका लेफ्ट पोर्शन, यहाँ पे जो दोनों साइड देख रहा है लेफ्ट पोर्शन वो क्या रहेगा, दोनों सेम रहेगा। तो इससे पता चल जाएगा कि हमारे जो गिवन ग्रामर है वो लेफ्ट फैक्टोरियल है। ठीक है, तो हम इसको कैसे रिमूव करेंगे, ठीक है, तो इसका क्या होता है फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, ए अल्फा ए डेस होगा सबसे पहला, जैसे लेफ्ट कर्सर में हमने पढ़ा था सेम उसी तरह, ठीक है, ए रहेगा ये जो अल्फा जो दोनों पार्ट में क्या है सेम है, फर्स्ट वाला पोजीशन इनिशियल पोजीशन जो है सेम है, तो इसको लिखेंगे और ए डेस, ठीक है, फर्स्ट वाले में ये हो गया। अब दूसरे में क्या करना है, जो ए डेस होता है, ठीक है, ए डेस फाइंड आउट करने के लिए क्या लिखेंगे, जो बचा बीटा और गामा, ठीक है, बीटा और ये इसको बोलते हैं गामा, ठीक है, वायर जैसे दिख रहा है लेकिन ये गामा है, तो ये होता है लैब फैक्टोरियल का फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए हम गिवन ग्रामर को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है एस टेंस टू आई, यहां पे कैपिटल सी है, उसके बाद पी एस, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है, इसके बाद और है, इसमें हम ले लेते हैं आई सी टी एस ई एस, जो ग्रामर होता है इसमें क्या लेंगे, आई सी टी एस ई एस, ठीक है, इस तरह से ग्रामर ले लेते हैं और ए भी ले लेते हैं प्लस करके ए, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट, और सेकंड में हम क्या ले लेते हैं सी बी ले, ये आपका क्या है क्वेश्चन, ठीक है, रिमूव लेफ्ट फैक्टोरिंग, ठीक है, बोलेगा रिमूव लैब फैक्टोरिंग, तो आप इसमें सबसे पहले जब सॉल्व करेंगे तो आप कैसा सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपको फॉर्मूला गिवन है, देखो ये लैब फैक्टोरिंग है करके कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो पोजीशन है, ठीक है, और पूरा ये वाला जो पोजीशन है ये दोनों क्या है आपका सेम है, देखो यहाँ पर सेम है यहाँ पर सेम है, मतलब इसको अगर अल्फा मान लेता हूं तो ये भी दोनों अल्फा हो जाएगा, और यहाँ पर बीटा कुछ नहीं है और यहाँ पर ये, तो इसको हम नेक्स्ट लाइन पे सॉल्यूशन में लिख लेंगे, एस टेंस टू आई सी टी एस, उसके बाद आई सी टी एस ई एस और ए, ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला क्या है आपका अल्फा है, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब एप्सिलॉन है, मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आपका क्या है बीटा और गामा, ठीक है, इस तरह से आप फाइंड आउट कर लेंगे, फाइंड आउट करने के बाद आप गिवन ये वाला जो है फॉर्मूला उसमें पुट करके आप क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एस का प्रोडक्शन, ठीक है, एस का प्रोडक्शन ये ए है, इसमें क्या होता है सबसे पहले अल्फा एडेस, तो यहाँ पर एस का प्रोडक्शन में अल्फा एस दे सकते हैं, मतलब अल्फा क्या है आई सी टी एस और एस एस है, देखो
एस हेड से लगा क्या है, ए का प्रोडक्शन, एस का प्रोडक्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ए भी तो है, ठीक है, तो हम ए को यहाँ पर एज इट इज पुट कर देंगे, क्लियर। अब देखो यहाँ पर एस एड एस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस का प्रोडक्शन एस डेस, ठीक है। जब एस डेस प्रोडक्शन लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, बीटा और गामा, बीटा की जगह यहाँ पर क्या है, एप्सिलॉन है, तो एप्सिलॉन लिखे, उसके बाद गामा की जगह यहाँ पर क्या है, देखो ई एस, तो ई एस हमने यहाँ पर लिखे, तो ये हमारा क्या हो गया, लैब फैक्टोरी सॉल्व हो गया, ठीक है। और लास्ट में क्या है, सी टेंस टू बी, तो इस तरह से आपका क्या हो गया, जो गिवन प्रॉब्लम था जिसमें रिमूव लैब फैक्टोरी, वो क्या हो गया, सॉल्व हो गया। और सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये फार्मूला को याद करना पड़ेगा, फार्मूला क्या है, ए टेंस टू अल्फा बीटा अल्फा गामा, जहां पर अल्फा, यहां पे अल्फा मतलब बोथ साइड, इनिशियल पार्ट क्या रहेगा यहां पर, सेम रहेगा, और ये दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट, टेबल ड्रिवन, टेबल ड्रिवन के लिए फर्स्ट फॉलो फाइंड करना, एलएल वन, ठीक है। फर्स्ट एंड फॉलो फाइंड करना, एल एल वन टेबल ड्रिवन, इसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल ड्रिवन फर्स्ट और फॉलो फाइंड करेंगे, फर्स्ट एंड फॉलो फाइंड, फर्स्ट और फॉलो फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट और फॉलो फाइंड कर एल एल वन अगर हम टेबल ड्रिवन बनाने वाले हैं तो उसके लिए हमको फर्स्ट और फॉलो फाइंड करना पड़ेगा। स्टेप वन, सबसे पहले स्टेप वन में क्या करेंगे, हम इलिमिनेट लेफ्ट रिकर्सन फ्रॉम ग्रामर जी, मतलब जो आपका ग्रामर दिया रहेगा, सपोज यहां पर कोई ग्रामर दिया हुआ है, ग्रामर दिया हुआ है ई टेंस टू ई प्लस पी ई, एफ टेंस टू पी प्लस एफ, एफ एफ टेंस टू आई डी ई और एन डी, इस तरह से अगर आपको गिवन ग्रामर दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसका लेफ्ट रिकर्सन जो भी रहेगा उसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, इलिमिनेट लेफ्ट रिकर्सन फ्रॉम ग्रामर, ग्रामर से आप क्या करेंगे, लैब रिकर्सन रिमूव करेंगे। स्टेप टू, परफॉर्म लैब फैक्टरिंग ऑन ग्रामर जी, अगर आपके ग्रामर में लैब रिकर्सन नहीं है तो लैब फैक्टरिंग हो सकता है, तो आप क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, परफॉर्म करेंगे लैब फैक्टरिंग ऑन द ग्रामर जी, परफॉर्म लैब फैक्टोरी ऑन ग्रामर जी, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि जो आपका ग्रामर है उसमें लैब रिकर्सन होगा, हो सकता है इस वाले ग्रामर में लैब रिकर्सन है, किसी और ग्रामर में लैब रिकर्सन नहीं है, लैब फैक्टोरी है, तो तब के केस में आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, लैफ फैक्टोरिंग परफॉर्म करेंगे, उसको रिमूव करेंगे। ये दो स्टेप जो है वो क्लियर है आपको। नेक्स्ट स्टेप
स्टेप थ्री में क्या करेंगे, फर्स्ट एंड फॉलो इन ग्रामर जी. आप क्या करेंगे, फर्स्ट एंड फॉलो ऑफ ग्रामर जी. इसका मतलब जो स्टेप थ्री है उसमें हम फर्स्ट एंड फॉलो ऑफ ग्रामर जी, जो दिया गया ग्रामर रहेगा उसका हम फर्स्ट एंड फॉलो फाइंड आउट करेंगे. नेक्स्ट स्टेप जो होता है, कंस्ट्रक्ट द प्रेडिक्टिव पास्ट टेबल. कंस्ट्रक्ट द प्रेडिक्टिव पास्ट टेबल. स्टेप फोर में हम क्या करेंगे, हमारा गिवन ग्रामर से हमने लेफ्ट फैक्टोरिंग रिमूव कर दिया. स्टेप टू में हमने उसमें लेफ्ट फैक्टोरिंग था उसको भी हमने अपने गिवन ग्रामर से हटा दिया. स्टेप थ्री में जो गिवन ग्रामर था उसका हम फर्स्ट और फॉलो निकालें. फर्स्ट और फॉलो निकालने के बाद हम स्टेप फोर में कंस्ट्रक्ट द प्रेडिक्टिव पास्ट टेबल. जो प्रेडिक्टिव पास्ट टेबल जिसको हम एम टेबल बोलते हैं, इसको एम टेबल करते हैं. प्रेडिक्टिव पास्ट टेबल में एम टेबल हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे. देन नेक्स्ट जो फाइव होता है, चेक इफ द गिवन इनपुट स्ट्रिंग कैन एक्सेप्टेड बाय पार्सर. चेक इफ द गिवन इनपुट स्ट्रिंग द given input string can accepted by parser, can accepted by parser. चेक करेंगे कि हमारा जो given input string है वो पार्स को, वो जो पार्सर है उसको एक्सेप्टेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है. अगर हो रहा है तो गिवन जो टेबल है, टेबल ड्रिवन है, वो एलएल1 है यानी कि एम टेबल है. अगर वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो हमारा जो टेबल है वो एलएल1 नहीं है. तो इस तरह फाइव टेबल में क्या हो गया, कंप्लीट हो जाता है. और ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी भी एग्जाम में आता है तो ये 7 मार्क्स का आता है. तो 7 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको गिवन ग्रामर को पहचानना आना चाहिए कि उसमें कौन सा रिकर्सन है. ठीक है, लेफ्ट रिकर्सन है कि राइट लेफ्ट फैक्टोरिंग है गिवन ग्रामर का. अगर लेफ्ट रिकर्सन है तो हम उसको क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे, रिमूव करेंगे लेफ्ट रिकर्सन, उसके बाद हम चेक करेंगे कि गिवन ग्रामर में लेफ्ट फैक्टोरिंग है कि नहीं है. अगर है तो उसको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे. उसके बाद हम उस गिवन ग्रामर का फर्स्ट और फॉलो फाइंड आउट करते हैं. फर्स्ट और फॉलो फाइंड आउट करने के बाद हम प्रेडिक्टिव पार्सर टेबल, जो पार्सर टेबल होता है जिसको एम टेबल बोलते हैं, वो हम क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे. और डिजाइन करने के बाद स्टेप फाइव में हम चेक करेंगे एक गिवन इनपुट स्ट्रिंग जो हमने एम टेबल से निकाले हैं, उस गिवन इनपुट स्ट्रिंग में वो एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं पार्सर द्वारा. ठीक है, तो एक्सेप्ट कर रहा है मतलब हमारा LL1 टेबल है. अगर नहीं कर रहा है तो गिवन ग्रामर LL1 नहीं है. थैंक फॉर वॉचिंग स्टूडेंट.